पार्टी की सरकार में 100 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी, 10 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब भी सूची जारी होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा होंगे। ममता जी से मिले भाई, मैंने विधानसभा में पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की सूची दे दो, टॉप 100 माफियाओं की सूची दे दो, आज तक सरकार ने नहीं बताया। सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे उसमें। आज आप बताइए मैनपुरी में जमीन कौन कब्जा कर रहा है, गैर कानूनी काम मैनपुरी में कौन कर रहा है, सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। संभल में एक पत्रकार ने एक मंत्री से केवल यही तो सवाल पूछा था कि हमारे क्षेत्र में जो विकास के वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप, बताओ। उसे जेल भेज दिया, क्या ये संविधान नहीं के सामने क्या संकट पैदा किया इन्होंने, क्या ये संविधान से चल रहे हैं लोग, कानून से चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं, क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार, डीजल पेट्रोल महंगा, सिलेंडर दे नहीं पा रहे और बिजली का बिल कितना महंगा है और हर सड़क चौराहे पे डिवाइडर पे सांड स्वागत कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।